हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए नीचे में जो सब्सक्राइब की रेड बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है ये एक प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये पतंजलि का गिलोय घनवट्टी है। इसे पतंजलि कंपनी बनाती है। पतंजलि जो है ये एक इंडियन कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को बनाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गिलोय घनवट्टी के फ़ायदे, नुकसान, इसे लेने का सही तरीका क्या है, सारी चीज़ें बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, ये जो गिलोय घनवट्टी है इसका प्रयोग सर्दी, खांसी, बुखार, अपच, कब्ज़, पाचन तंत्र संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इसके अलावा त्वचा विकारों में डायबिटीज़, पीलिया, ऐसी कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज ये जो गिलोय घनवट्टी है फ्रेंड्स ये है। गिलोय जो है फ्रेंड्स, इसके गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह जो औषधि है ये बिल्कुल अमृत समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधित रोगों जैसे कि अस्थमा, दमा, खांसी से भी आराम दिलाने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हम विस्तार से देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो गिलोय घनवट्टी है ये कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। तो विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रण रखने में असरदार भूमिका निभाती है। ब्लड शुगर के बढ़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करती है। इस तरह यह जो गिलोय घनवट्टी है फ्रेंड, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डेंगू मलेरिया से बचने में भी गिलोय घनवट्टी का सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज़ बुखार होने लगते हैं, गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है जिससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। डेंगू बीमारी में आपने कई बार डॉक्टर से सुना होगा फ्रेंड्स, जो शरीर में प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो तेज़ी से कम होने लगती है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर आप गिलोय घनवट्टी का सेवन करते हैं तो इससे जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जो है आपकी प्लेटलेट्स की जो संख्या है उसे बढ़ाने में ये गिलोय घनवट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। नंबर 3 है फ्रेंड्स, अगर आप अपच, कब्ज की समस्या से परेशान हैं, एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, तो गिलोय घनवट्टी का प्रयोग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए आप गिलोय घनवट्टी का रोज़ाना सेवन करें। नेक्स्ट जो गिलोय घनवट्टी लेने का फ़ायदा है फ्रेंड्स, गिलोय घनवट्टी में एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं जो आपके पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार में आराम दिलाने के लिए जो गिलोय घनवट्टी है फ्रेंड्स, इसका सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो गिलोय घनवट्टी के सेवन का फ़ायदा है फ्रेंड्स, इम्यूनिटी को बढ़ाने में गिलोय घनवट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब ये जो कोविड की महामारी चल रही है फ्रेंड्स, इसमें आप गिलोय घनवट्टी का सेवन कर सकते हैं। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में गिलोय घनवट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती है, जिससे सर्दी, जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियाँ जो है इससे बचाव होता है। देन गिलोय घनवट्टी के सेवन का फ़ायदा है फ्रेंड्स, पीलिया या जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, पीलिया के मरीजों को गिलोय घनवट्टी का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पीलिया में होने वाले बुखार, दर्द में भी ये जो गिलोय घनवट्टी है ये आराम दिलाता है। पीलिया से निजात पाने के लिए आप गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गिलोय घनवट्टी के सेवन का फ़ायदा है फ्रेंड्स, एनीमिया में भी आप गिलोय घनवट्टी का सेवन कर सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं जिसमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय घनवट्टी का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इससे जो है शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा इम्यूनिटी क्षमता को भी मजबूत बनाने में गिलोय घनवट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। गिलोय घनवट्टी के सेवन का जो अगला फ़ायदा है फ्रेंड्स, त्वचा संबंधित रोगों में भी गिलोय घनवट्टी का सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गिलोय त्वचा संबंधित रोगों और एलर्जी को दूर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। त्वचा पर होने वाले चकते हो या चेहरे पर निकलने वाले कील, मुहासे हो, इसमें जो है गिलोय घनवट्टी का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गिलोय घनवट्टी के सेवन का जो अगला फ़ायदा हमारे स्वास्थ्य पर होता है फ्रेंड्स, गठिया के रोग या जोड़ों के दर्द में भी गिलोय घनवट्टी का सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गिलोय घनवट्टी में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में बहुत ही कारगर होता है। ख़ासतौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए गिलोय घनवट्टी का सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।
नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, गिलोय घनवटी का सेवन आप अस्थमा दमा जैसी समस्या में भी कर सकते हैं। इसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिसके कारण यह सांसों से संबंधित रोगों में आराम दिलाने में बहुत ही प्रभावशाली है। गिलोय घनवटी जो है फ्रेंड्स, एक कफ को नियंत्रित करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। गिलोय घनवटी के सेवन का जो अगला फ़ायदा हमारे स्वास्थ्य पर होता है, गिलोय घनवटी जो है फ्रेंड्स मूत्र विकारों में बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आपको किडनी स्टोन या किडनी संबंधित जो भी समस्या है उससे निजात पाने के लिए या उसके निवारण में गिलोय घनवटी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। गिलोय घनवटी के सेवन से किडनी का जो फंक्शन है वो सही रहने में मदद मिलती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अगला फ़ायदा गिलोय घनवटी का हमारे स्वास्थ्य पर होता है, तो लीवर के स्वास्थ्य के लिए गिलोय घनवटी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। अधिक शराब का सेवन लीवर को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है, ऐसे में गिलोय घनवटी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। यह खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह यह लीवर के कार्यभार को कम करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधित गंभीर रोगों से बचाव होता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो गिलोय घनवटी है इसका कितना डोज आपको डेली लेना है। तो एक टैबलेट आपको दिन में दो बार लेनी है, तो सुबह शाम आप एक एक टैबलेट ले सकते हैं या फिर आप आपके डॉक्टर के सलाह अनुसार इसे ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो MRP दी हुई है फ्रेंड्स वो 100 रुपीज़ है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है फेब 2020 और जनवरी 2022 इसकी एक्सपायरी डेट है, तो करीब 2 साल की जो है इसकी लाइफ शेल्फ दी हुई है। इसकी जो नेट क्वांटिटी है फ्रेंड्स, तो इस TB में आपको 60 टैबलेट्स मिलती है इस गिलोय घनवटी की। तो फ्रेंड्स, अब हम इस गिलोय घनवटी के नुकसान के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि गिलोय घनवटी के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं या लाभ ही लाभ है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में गिलोय घनवटी का सेवन करते हैं तो आपको इसके नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। तो कौन से ऐसे नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं? तो सबसे पहला जो है फ्रेंड्स, ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा रहता है। गिलोय जो है फ्रेंड्स, इसके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी आपको गिलोय घनवटी का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर आपको डॉक्टर की सलाह अनुसार ही इस गिलोय घनवटी का सेवन करना है। अगला जो नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है उनको भी गिलोय घनवटी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो भी बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको गिलोय घनवटी का सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी गिलोय घनवटी। इस पतंजलि इंडियन कंपनी ने बनाए हुए इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल जानकारी, आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि इस वीडियो का उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। इसी तरह की और भी मोस्ट अफोर्डेबल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।